हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश राठे। आज मैं एज ए मेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोगों के सामने आया हूँ। बात करें इकोनॉमिक्स की, क्या है इकोनॉमिक्स? मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मैं अभी तक पढ़ाते आया हूँ, उसमें लोग इकोनॉमिक्स से बहुत डरते हैं। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, मतलब कोई भूत वूत तो है नहीं इकोनॉमिक्स। लोग बोलते सर इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड लगता है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है यूपीएससी के लिए, जेपीएससी में भी सर इकोनॉमिक्स को लिखने में बहुत कठिनाई होती है। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों बोलते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक को समझ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स कोई जो सब्जेक्ट है ईजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये केवल फैक्चुअल नहीं है, ये साइंटिफिकल है। ठीक है, ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड थ्योरी लेकर चलती है इकोनॉमिक्स। हर चीज़ एक दूसरे से कोवैलेंट रिलेटेड है। ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। बात करते हैं इकोनॉमिक, हिंदी में जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। नाम से ही आपको पता चल जाएगा अर्थशास्त्र। जब ये बात सुनते होंगे तो सबसे पहले किसका दिमाग में ख्याल आता होगा? चाणक्य का। विष्णुगुप्त ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन वो अर्थशास्त्र और इस अर्थशास्त्र में बहुत अंतर है। ठीक है, इस अर्थशास्त्र का पूरा जो चिट्ठा है, पूरा जो ब्यौरा है, वो किस पे आधारित है? वो है अर्थव्यवस्था पर। नाम से ही क्लियर है कि ये किससे रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो इंडियन इकोनॉमिक, चलिए हम इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं। पहले बात करें इंडियन इकोनॉमी, उससे पहले आने से पहले मैं बता दूं कि जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे या आप जेपीएससी का सिलेबस देखोगे तो दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या है कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स का परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स यूपीएससी में बहुत अहम रखता है और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स दोनों में बहुत अहम रखता है। और उसके बाद जो तीसरा और चौथा भाग होता है, कौन सा? जो ऐड होता है स्टेट वाले में, अगर आप जेपीएससी की बात करोगे तो झारखंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स ये कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है दोनों में, यूपीएससी, जेपीएससी, चाहे आप बीपीएससी किसी में भी एग्जाम्स में उठा लो, ये कॉमन पार्ट बिल्कुल कॉमन होता है। ठीक है, यानी इंडियन इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक, जब हम इकोनॉमिक्स लगा देते हैं तो अर्थशास्त्र हो जाता है, और इकोनॉमी की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाती है, यानी भारतीय इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय इकोनॉमी आपकी क्या है? भारतीय इकोनॉमी जो आपकी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था। क्लियर है? ये दोनों में कॉमन है, यूपीएससी, जेपीएससी और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं सब में कॉमन है। नंबर आते हैं नंबर टू पर, मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, ये अर्थव्यवस्था जो है किसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊँगा उस पर। चलिए इस पर आते हैं, उसके बाद आता है मेरा कौन सा इंडियन इकोनॉमी के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, मतलब विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इसकी बात करें, तो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें जेपीएससी या बीपीएससी या किसी भी अदर एग्जाम्स में, ठीक है, किसी भी अदर एग्जाम्स में, तो ये आपका क्या होगा? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? यूपीएससी के लिए। क्लियर है? यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए कॉमन उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के लिए भी और जेपीएससी, बीपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, अदर्स के लिए भी। वहीं विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व अर्थव्यवस्था यूपीएससी के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जेपीएससी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट मेरा क्या है? मैंने बताया था कि मैंने इसको कैटेगराइज किया है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जब आप देखिएगा,
जो मैंने यूपीएससी का सिलेबस डिस्कशन किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि यूपीएससी को मैंने कितने पार्टों में बांटा है, ठीक है। वहाँ आप देखेंगे कि मैंने उसमें कहा था कि एक कैटेगराइजेशन मेरे तरफ से, अपनी तरफ से किया गया है, वो है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए या फिर जेपीएससी या अदर एग्जाम्स के लिए भी, ये बहुत कॉमन है। यानी ये यूपीएससी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और जेपीएससी और बीपीएससी या अदर एग्जाम्स जो भी होते हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या एक अलग चीज़ आ जाती है, सिर्फ अगर हम बात करें जेपीएससी झारखंड के एग्जाम की बात करें, ठीक है। जेपीएससी की मैं बात करता हूँ तो जेपीएससी में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है बस ये हो जाता है कि इसमें झारखंड इकोनॉमिक्स ऐड हो जाता है, झारखंड इकोनॉमिक्स ऐड हो जाता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड के संदर्भ में यहाँ के उद्योग क्या हैं, झारखंड के संदर्भ में यहाँ की गरीबी क्या है, झारखंड के संदर्भ में यहाँ की जनसंख्या क्या है, यहाँ की अर्थव्यवस्था झारखंड के संदर्भ में कैसे है और उसे कैसे हमको बाकी क्वेश्चंस को कोरिलेट करना है, तो झारखंड के संदर्भ में ये आ जाता है। ये था मेरा डिस्टिंग्विश, जो मैंने अंतर बताया कि कौन से इकोनॉमिक का पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कौन यूपीएससी जेपीएससी के लिए कॉमन है, कौन सिर्फ यूपीएससी के लिए कॉमन है और बाकी के लिए कॉमन नहीं है, कौन दोनों के लिए फिर कॉमन है और झारखंड में झारखंड इकोनॉमिक्स। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब मैं आता हूँ हमारे इकोनॉमिक्स के बेसिक में, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और लोग इसको हार्ड बना देते हैं। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आपको सब्जेक्ट्स हार्ड लगेंगे ही। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत जगह पढ़ाई करते हो, मेंटर्स आपको एक पर्टिकुलर नोट्स दे देते हैं और बोर्ड में आप क्या करते हैं, वो उस नोट्स को बहुत ज़्यादा डिराइव नहीं करते हैं, बहुत बेसिक रूप से उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, जब आपके हाथ में नोट्स आता है तो आप सोचते हैं कि मैं नोट से पढ़ लूँगा और वहाँ आप कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। वहाँ क्योंकि आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता है, तब आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे ये इसका आंसर वो इसका आंसर है, इकोनॉमिक्स बहुत जटिल हो गया है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी जटिल नहीं है, अगर आप सही से पढ़ाई कीजिए, एक अच्छे मेंटर के गाइडेंस में पढ़ाई करें तो इकोनॉमिक्स ईजी कुछ भी नहीं है। और जब मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाई होगी कि आप लोगों को लगेगा कि इकोनॉमिक्स मतलब सचमुच बहुत आसान है और हम लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको रब करते हैं। अब मैं आता हूँ बहुत बेसिक चीज़ पर, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की बेसिक, जिस तरह पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान के कितने मूलभूत स्तंभ थे, तीन, और एक चौथा स्तंभ मीडिया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। उसी तरह इकोनॉमिक्स के भी कुछ पर्टिकुलर पिलर्स होते हैं, लोग ये नहीं बताते हैं ये पिलर्स क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे इन पिलर्स से बाकी सारी चीज़ें रिलेट होती हैं, हम लोग वो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी एक टर्म्स को पकड़ने पर इकोनॉमिक्स में बाकी चीज़ों पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर ये चीज़ें आप सीख जाएंगे बेसिक चीज़ें, तो फिर आपको चैप्टर्स बहुत ईजी लगने लगेंगे। उसके बाद क्या है, आपको उसकी विधि जाननी है, ठीक है, उसका प्रभाव जानना है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। चलिए हम लोग इसको रब करते हैं और आते हैं इसके बेसिक पिलर्स पर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। बेसिक पिलर की बात की जाए तो कितने लोगों को इकोनॉमिक्स में पता है कि इसके बेसिक पिलर कौन कौन से हैं? मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी बच्चे नहीं जानते होंगे, ठीक है, शायद कुछ ही बच्चे जानते होंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको अपने तरफ से डिस्टिंग्विश किया है, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, इसके दो बेसिक पिलर पूरी जिस पर अर्थव्यवस्था टिकी होती है, ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था टिकी होती है और कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था के, जब आप अर्थशास्त्र के जो हमारा चैप्टर है बहुत सारे इकोनॉमिक्स के, उसको जब आप अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे तो इन दो चीज़ों का आप प्रभाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक चैप्टर पे देखोगे, ठीक है। क्या है पहला, अगर मैं बात करूँ तो पहली है मौद्रिक नीति, पहली है मौद्रिक नीति, हम इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी, हम इसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। और बात करें अगर दूसरे नीति की तो ये है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। आज सुबह कितने लोगों ने पेपर पढ़ा है, आज कितने लोगों ने पेपर पढ़ा है सुबह? अगर आप देखोगे पेपर में तो आज का पेपर का जो हेडलाइन है वो बजट से रंगा हुआ है, ठीक है। सबको पता है कि बजट देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत स्तंभ
ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ, इसके बिना शायद ही जो अर्थव्यवस्था का एक संरचनात्मक विकास हो, जो एक ग्रोथ हो, वो किसी भी कंट्री का जीडीपी क्या बनेगा, सब इसी पर डिपेंड करता है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो भारतीय जो होता है वो बजट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बजट। देखिए, ये दो तीन जो स्तंभ है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे अगर अर्थशास्त्र की आप बात करें, पूरे इकोनॉमिक्स की बात करें, तो क्या है, आप इन तीन पिलरों को अगर समझ जाते हैं, आप अर्थव्यवस्था में इन तीन स्तंभों को समझ जाते हैं अर्थशास्त्र के, तो आप पूरे अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, और बाकी जितने भी टर्म्स होंगे सब इन्हीं से रिलेटेड होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा आगे जाके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते एक एक करके इन तीनों पिलरों को। हम लोग आज देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या बेसिक चीज़ें हमें समझनी है, ताकि आगे के चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं रब करता हूँ और एक एक नीतियों को स्पष्ट करूँगा। देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के हैं, यूपीएससी के पैटर्न पे अगर आप कभी, जो बच्चे यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कभी कभी आप देखोगे कि कभी मतलब अगर बजट का सेक्शन आ रहा है तो लोग बजट एलोकेट कितना हो रहा है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए आपके ऊपर कि अभी हाल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा 2020 में कितने बजट का एलोकेशन किया गया था, ठीक है, या 2000 अभी जो 21 आया है इसमें जो बजट है नई जीडीपी के लिए टोटल कितने बजट का एलोकेशन हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। जेपीएससी के संदर्भ में अगर आपको पूछा जाता है तो झारखंड में के संदर्भ में आपको पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने अगर मदद की है, या कोई केंद्र सरकार ने कोई राशि क्या है बजट में झारखंड सरकार को प्रदान की है, तो उसमें कितनी राशि का एलोकेशन झारखंड सरकार को इस योजना के तहत किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन झारखंड के संदर्भ में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से आप क्वेश्चंस पकड़ सकते हो, बस आपको क्या है, एक ट्रिक आना चाहिए। और ये ट्रिक कौन प्रोवाइड कराएगा, आपके मेंटर्स प्रोवाइड कराएंगे कि भाई हाँ मेरा यूपीएससी का कौन सा पैटर्न है, जेपीएससी का कौन सा पैटर्न है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं मौद्रिक नीति पर। हमारा पहला जो स्तंभ, जो पहला पिलर जिसे मैंने डिस्टिंग्विश किया है, कहीं ये संविधान में लिखित नहीं है, पॉलिटी वाला संविधान में वर्णित था, ये संविधान में लिखित नहीं है, ये किसके द्वारा लिखित है, ये हमारे आपके मेंटर मिस्टर अविनाश आर्य द्वारा लिखित है। ठीक है, मैंने इसको डिस्टिंग्विश किया है। तो हमारा जो पिलर है ये पहला है मौद्रिक नीति। ठीक है, क्या है मौद्रिक नीति, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मैंने कहा मॉनिटरी पॉलिसी। देखिए, बहुत आप सिंपल ऐसे समझिए, मौद्रिक, मौद्रिक बताने की जरूरत नहीं है। मौद्रिक का जो शाब्दिक शब्द है, जो बिल्कुल बेसिक वर्ड है इसका, वो क्या हो सकता है, मौद्रिक का मुद्रा। मौद्रिक का जो बेसिक वर्ड है अगर आप पकड़िएगा तो क्या है, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपए, करेंसी। ठीक है, पैसा क्या है, सब मुद्रा। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो अलग अलग करेंसी है, अलग अलग मुद्राएं हैं। क्लियर है, बांग्लादेश में जाओगे तो इसी को टका चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है, उसी तरह अलग अलग यूएसए में आप जाओगे तो क्या चलता है, डॉलर चलता है, यूके में क्या चलता है, डॉलर चलता है। बहुत सारे वर्ल्ड में करेंसी हैं अलग अलग देशों की। तो जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, या हम अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको बताया था, जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी पर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी करेंसी किस किस कंट्री की चलती है। ठीक है, और उसका क्या प्रभाव होता है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे आयात निर्यात में। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल जो सेंसेक्स होते हैं उसमें रुपये का क्या भाव, इस पर इसका व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में देखेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में हम लोग किसकी बात करेंगे, भारत की, भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी हम वो देखेंगे कि भारत में जो मेरी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो भारत के करेंसी के संदर्भ में ही क्यों ना हो, हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब बात ये, चूंकि ये बेसिक वर्ड क्या हो गया, मुद्रा, मुद्रा हो गया आपका, क्या हो गया, करेंसी, या इसको बोल दिए मनी। ठीक है, क्या हो गया, करेंसी मनी। चलिए, पैसा। ठीक है, एक गाना आया था, पैसे पैसा तू करती है क्यों, पैसे पे ही मरती है। ठीक है, आपने गाना सुना होगा, क्यों मरती है, क्योंकि उसी से अर्थव्यवस्था चलती है। तो उनकी भी अर्थव्यवस्था किससे चल रही थी, इसी से।
इसीलिए वो पैसे पे मर रही थी। चलिए खैर वो तो गाने का पार्ट था। जहाँ तक बात हो गई देश की मुद्रा की अर्थव्यवस्था की, तो ये मुद्रा जो है बेसिक शब्द है, यानी मुद्रा जितने भी मनी से रिलेटेड जो काम होगा वो जो अर्थव्यवस्था के अंदर वो किस नीति का निर्धारण होगा, वहाँ मौद्रिक नीति निर्धारण करेगी कि हमारे देश में मौद्रिक नीति जो होती है वही निर्धारित करती है कि मुद्रा का परिचालन एवं गमन कैसे होगा, यानी मुद्रा का परिचालन और मुद्रा का जो गमन होगा कैसे होगा। अब भारत में अगर बात करें, अब हम आते हैं अपने देश के संदर्भ में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ अगर कोई भी मुद्रा चलती है तो यहाँ का एक सर्वोच्च, यहाँ की एक सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, जो पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के परिचालन को देखती है, जिसे सारे कोई मुझे लगता है कॉमन बहुत फ्रेंडली होंगे, क्या नाम है उसका, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इस देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से, एक समझ लीजिए, नियंत्रित करती है। यहीं से पूरी भारत की अर्थव्यवस्था की जो मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है, किसकी का होता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण, यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण काफी हद तक करती है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा, अगर मौद्रिक नीति के निर्धारण में थोड़ा सा जो भाग होता है किसका होता है, मोस्ट ऑफ द भाग इसका होता है, और जो एक मंत्रालय है जिसे हम क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय, यानी दो चीजें, RBI प्लस हमारे देश का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसने आज बजट, समझ लीजिए अभी बजट पेश हुआ तो किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है, डॉक्टर निर्मला सीतारमन, जो हमारी भूतपूर्व क्या रह चुकी हैं, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। क्लियर है? चलिए, अब निर्मला सीतारमन ने जी ने क्या किया, अपने वित्त मंत्रालय, वो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, लास्ट में जो हमारा जो पिलर था बजट आज पेश कर दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं वापस इस पे, मुद्रा बेसिक चीज है, यानी जो भी मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है भारत में वो कौन करती है, वो करती है यहाँ की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था RBI। यानी मौद्रिक नीति के अंदर क्या आते हैं, मौद्रिक नीति के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला RBI, दूसरा वित्त मंत्रालय के कुछ कार्य, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा दोनों में मौद्रिक नीति में क्या अंतर होता है, कहाँ वित्त मंत्रालय का थोड़ा काम होता है, कहाँ मोस्टली RBI का काम होता है। यानी अब आते हैं RBI में, यानी भारत में कितनी मुद्रा छपेगी, 10 रुपये के कितने नोट आएंगे, 100 रुपये के कितने नोट आएंगे, 10 रुपये का सिक्का कितना आएगा मार्केट में, ये सारा निर्धारण कौन करती है, ये RBI करती है। क्यों? क्योंकि RBI ही इस देश में मुद्रा का परिगमन देखती है, किस बैंक को कितनी मुद्रा देनी है, किसे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किसे कहाँ पैसा देना है कर्ज के रूप में, वो RBI देखती है। सरकार को भी ज़रूरत अगर पड़ती है पैसे की, और अगर वो क्या करती है, तो वो किससे कर्ज लेती है, वो RBI से कर्ज लेती है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मौद्रिक नीति सीधे सीधे किससे संबंधित है, मौद्रिक नीति RBI से संबंधित है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी कार्य इंडिया में देखती है वो सब कुछ मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है। और रहा बात वित्त मंत्रालय का, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बगल में आप लोगों को बता दें कि वित्त मंत्रालय का क्या कार्य है। आते हैं वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का क्या कार्य है, वित्त मंत्रालय में कौन हो गए हमारे, हो गए वित्त मंत्री। ये क्या पेश करते हैं, ये पेश करते हैं बजट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मौद्रिक नीति का एक जो है अंग है, ये भी मौद्रिक नीति की एक अंग है यहाँ पर, क्योंकि बजट में भी कितना पैसा किसे एलोकेट किया जाएगा, मतलब अगर कुछ पैसे हैं तो कितने पैसे मनरेगा की योजना के लिए एलोकेट किए गए हैं, कितने पैसे जनधन योजना के लिए एलोकेट किए गए हैं, कितने पैसे उज्ज्वला योजना के लिए एलोकेट किए गए हैं, मतलब सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए कितने पैसे हर किसी को दिए गए हैं इस बजट में बताया जाता है, यानी ये डिसाइड कौन करते हैं, ये वित्त मंत्री डिसाइड करते हैं,
ठीक है, यानी यहाँ भी मुद्रा का जो परिचालन होता है यहाँ वित्त मंत्री करते हैं, यानी मुद्रा का। और हम लोग चूंकि पहले ही पढ़ चुके हैं कि मौद्रिक नीति जो होती है वो क्या करती है, वो मुद्रा का परिचालन और गमन देखती है, यानी इसका दो पहिया हो गया, एक RBI दूसरा वित्त मंत्रालय। क्लियर है? चलिए, तो ये थे मेरी मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति में कुछ टर्म है, जैसे जैसे मान लीजिए RBI की आप बात करते हो, मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित है, यानी मुद्रा का जो भी परिचालन और गमन हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में होता है उसे ही भारत की मौद्रिक नीति कहा जाता है, और ये मूल रूप से RBI और वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। मोस्ट ऑफ द कार्य RBI देखती है, क्योंकि RBI सारे बैंकों के नियम का निर्धारण करती है कि कौन से बैंक कितना पैसा लगाएंगे, कितना उनका रेपो रेट होगा, कितना उनका बैंक रेट होगा, कितना उनका क्या होगा रिवर्स रेपो रेट होगा, या बाकी CRR ये सब कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ये सारे टर्म्स जो एक छोटे टर्म कंडीशन में कैसे है उसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। ये तो ये हमारा था मौद्रिक नीति। क्लियर है? चलिए मैं इसको रख कर रहा हूँ। हम आते हैं मौद्रिक नीति में, हमने बात की RBI की, ठीक है, हमने बात किसकी की, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मूवी आई थी धूम, धूम 2, धूम 3, क्या था वो, उसमें आप देखते होगे मोस्टली क्या करते हैं, जो जो हमारे हीरोज रहते हैं जो हम वो विलन का भी रोल करते हैं, चोर बनते हैं वो उसमें, और किसको लूटते हैं, बैंक को लूटते हैं, क्यों, क्योंकि वो खनवान बनना चाहते हैं या किसी को गुस्सा रहता है उस बैंक से तो वो पूरी बैंक के पैसे उड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको जिसको वो पैसा मिला होगा वो क्या हुआ होगा, वो तो धनवान बन ही गया होगा ना, रिच तो बन ही गया होगा। अब बैंक दिवाली वजह से कोई मतलब नहीं है, पैसा आ गया मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये जो नेताओं की जो नेताई है वो चलती रहती है, लेकिन अगर ये गड़बड़ा गया हमारी क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था भारत की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना तो इसका खामियाजा बहुत खतरनाक होता है। देश का जो मैक्सिमम जो पैसा होता है क्या होता है, वो वहाँ पर कम पड़ जाता है, और तब हमें कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, जिसका खामियाजा हमें क्या करना पड़ता है, कर्ज भुगतान आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, और देश की GDP में उसका बहुत अंतर होगा। हम लोग आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में देखेंगे कि कैसे हर एक पहलू को, कि कैसे अर्थव्यवस्था पर किन किन चीज़ों का प्रभाव कितना खतरनाक होता है, कौन से पॉजिटिव फैक्टर हैं, कौन से नेगेटिव फैक्टर हैं। हम आते हैं RBI। RBI में बहुत सारे टर्म कंडीशन है। RBI क्या करती है, निर्धारण करती है, RBI निर्धारण करती है बैंक रेट का, आपने सुना होगा। RBI निर्धारण करती है किसका, रेपो रेट का। तीसरा, RBI निर्धारण करती है रिवर्स रेपो रेट का, और RBI क्या निर्धारण करती है, CRR का, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप सुनते हो कि बैंक रेट इतना है, अक्सर आप न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि आज जो रिवर्स जो रेपो रेट है वो इतना है, आज का रेपो रेट इतना है, ये बैंक दर इतनी हो गई, ठीक है, CRR जो बैंक ने कर दिया इतना कर दिया, क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये जब तक आप टर्म कंडीशन इसको बिल्कुल ईजी वे में नहीं समझोगे आपको आगे बहुत दिक्कत आएंगी। अब मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आती है, चूंकि ये RBI इसका निर्धारण करती है, तो ये किसकी नीति के अंतर्गत आई, मौद्रिक नीति, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम पहले कि मौद्रिक नीति जो होती है उसके दो पहिए कौन कौन से हैं, कौन से मौद्रिक नीति में, एक RBI दूसरा वित्त मंत्रालय, ठीक है, RBI और वित्त मंत्रालय। तो ये RBI चूंकि ये कौन करती है सबका निर्धारण, इनका निर्धारण RBI करती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक नंबर, पहला एक एक करके देखते हैं, एक नंबर बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है। बात करें अगर हम बैंक रेट की, तो बहुत से ऐसे बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, अपना एक ऋण लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर SBI बैंक है, ठीक है, अब SBI बैंक को भी अपना जो पैसे की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने पैसा लगा रखा है, और ग्राहकों को उनको पैसा ज़्यादा चाहिए ताकि ग्राहक के पास जो धन का फ्लो है ज़्यादा हो पाए, तो वो क्या करते हैं, वो RBI से कर्ज लेते हैं, ठीक है। ये कर्ज कैसा होता है, एक ऋण की तरह होता है, ये जो कर्ज लेते हैं ये बैंक, इसमें किससे कर्ज लेते हैं, बैंक
कर्ज लेते हैं कैसे, ऋण के रूप में, ऋण के रूप में किससे लेते हैं, तो आरबीआई से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। यानी एक कैसा हो गया, अगर कोई ऋण ले लेता है, मान लीजिए आप ही लोग कभी क्या करते हैं, बैंक में जाके लोन लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने लोन लिया और कल ही आपको पूरा लोन का भुगतान करना है या 10 दिन के बाद करना है। आपको एक टर्म कंडीशन दिया जाता है, आपको एक मैच्योर डेट दिया जाता है कि आप 2 साल के लिए लोन ले लीजिए, आप 3 साल के लिए लोन ले लीजिए, यानी एक अवधि दे दी जाती है। और ये अवधि कैसी होती है, काफ़ी लंबी अवधि होती है, ऐसा तो नहीं है कि आपको एक महीने में करना पड़ता है तुरंत। यानी अपने आप में ये कैसा होता है, ये दीर्घकालीन ऋण होता है, ठीक है। बैंक ये दीर्घकालीन ऋण लेती है आरबीआई से, जब किसी भी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे कोई भी बैंक हो, कोटक महिंद्रा हो, पंजाब हो, कोई भी हो, क्लियर है। तो जब कोई भी बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए ऋण लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंक दर। उस समय आरबीआई क्या करती है, एक दर का निर्धारण करती है, आरबीआई क्या करती है, दर का निर्धारण करती है कि इस दर पर, चाहे वो 4% हो, 8% हो, 10% हो, आप सुनते होंगे 12% हो, कुछ भी परसेंट, 1% का वो निर्धारण करती है कि इस परसेंट पे मैं आपको पैसे दूंगी, मतलब यानी 8% का आप क्या क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है। जो ब्याज का जो परसेंटेज होता है वो आरबीआई निर्धारण करती है, क्योंकि ये दीर्घकालीन होता है इसलिए आरबीआई अपने अनुसार इसको निर्धारित करती है और बीच बीच में संशोधित करते रहती है, हर एक 3 महीने में, हर एक 6 महीने में, या वार्षिक रूप से इसका संशोधन होते रहता है। इसी को बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, बैंक रेट, क्लियर है। बैंक रेट क्या है, एक दीर्घकालीन लोन है जो बैंक आरबीआई से लेती है, जो बैंक आरबीआई से लेती है, और उसके बदले आरबीआई उनके ब्याज के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज का निर्धारण कर देती है। वही दर जो बैंक ब्याज के रूप में लेती है जिस दर पर, उसी दर को बोला जाता है बैंक दर, क्लियर है। चलिए मैं इसको रद्द करता हूँ, अब हम आते हैं नंबर 2 पर, ठीक है। क्या है रेपो रेट, क्या रेपो रेट क्या है, मैं इसको अब रद्द कर रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब बात करेंगे। बैंक दर आपका क्लियर हो गया, अब मैं आता हूँ रेपो रेट पर, नंबर 2 हम बात करेंगे रेपो रेट। देखिए सेम चीज़ है रेपो रेट, लेकिन अंतर क्या है, मान लीजिए किसी बैंक को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, सडनली पड़ी, मतलब मान लीजिए कल उनको कहीं भुगतान करना है, या किसी का प्रपोजल आ गया कि भैया इतना पैसा मुझे लगाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा बैंक, मान लीजिए एसबीआई को अभी अचानक से पड़ गया 200 करोड़ रुपए का ज़रूरत, ठीक है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो किससे लेगी पैसे, वो पैसे लेती है फिर वापस किसे, आरबीआई से। लेकिन ये जो होता है कि उनको रातों रात क्या होती है, अचानक ज़रूरत पड़ता है और वो बोलते हैं कि हम 2-3 दिन के बाद आपको लौटा देंगे, ठीक है। यानी जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है यहाँ पर, वो बहुत छोटी होती है, अवधि कैसी होती है, बिल्कुल छोटी अवधि होती है। यानी सेम है रेपो रेट में भी, क्या है कि बैंक क्या करती है, लोन लेती है, इसे लोन नहीं कहते, बैंक पैसे लेती है, हम बोल रहे हैं, कह सकते हैं बैंक पैसे लेती है बहुत छोटी अवधि के लिए, किससे लेती है वापस, बैंक किससे लेती है, आरबीआई से लेती है, किससे लेती है, आरबीआई से लेती, क्लियर है। यानी रेपो रेट और बैंक रेट सेम है, लेकिन अंतर क्या है, बैंक रेट दीर्घकालीन अवधि के लिए लोन लिया हुआ है और रेपो रेट जो होता है वो बिल्कुल छोटी अवधि के लिए लोन है, यही अंतर है। और यहां फिर आरबीआई कर क्या करेगी, एक रेट तय कर देती है, एक दर आरबीआई तय करती है, आरबीआई एक दर क्या करती है, तय करती है, किन के लिए तय करती है वो दर, उन बैंकों के लिए जो उसके लिए बहुत छोटी अवधि के लिए लोन ले रहे हैं, इसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेपो रेट, रेपो दर, ठीक है, रेपो दर है। यानी बैंक दर क्या हो गई, बैंक दर हो गया एक दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, और उस पर जो दर लगे, उस पर जो रेट लगाती है आरबीआई, वो हो गया क्या, बैंक दर। और जब वही बैंक छोटी अवधि के लिए अचानक में उसे जरूरत पड़ जाए, छोटी अवधि के लिए तुरंत पैसे लेती है और तुरंत उसे वापस कर देती है आरबीआई को 3 से 4 दिनों के अंदर या हार्डली 1 सप्ताह के अंदर, तो वो छोटी अवधि के लिए जो पैसा लिया जाता है उसका जो दर लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसे ही बोलते हैं रेपो रेट, यानी रेपो दर, क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की।
कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बैंकों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली SBI, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी हो, ग्रामीण विकास बैंक, कुछ भी बैंक हो, सिर्फ इन्हीं को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी RBI को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। क्या करते हैं, RBI के पास पैसे तो रहते हैं, लेकिन जब सरकार क्या बोलती है कि मुझे मेरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अब डेवलप होने वाले हैं और आपसे मुझे कर्ज लेना है, और उस समय एक पर्टिकुलर अमाउंट में RBI के पास पैसा नहीं रहता है, तब वो क्या करते हैं, तब ये बैंकों से कर्ज लेते हैं। ठीक है, RBI किसे कर्ज लेगी, SBI से कर्ज ले लेगी, RBI कुछ पैसा पंजाब नेशनल बैंक से ले लेगी, RBI कुछ पैसा HDFC वालों से ले लेगी, RBI कुछ पैसा ICICI बैंक वालों से ले लेगी। तो ये जो है RBI कर्ज लेती है यहाँ पर, यानी रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात कर दें नंबर 3 पे, रिवर्स रेपो दर की बात कर दें नंबर 3 पर, तो RBI क्या करती है, RBI किससे कर्ज लेती है, यहाँ RBI कर्ज लेती है किससे लेती है, तो बैंकों से। ठीक है, उसके बदले में RBI ने खुद दर तय किया हुआ है कि हम इस दर से आपका भुगतान करेंगे। देखिए RBI की चालाकी कितनी है कि जब वो पैसा देती है तो खुद वो दर का निर्धारण करती है कि हम इतने दर पे आपको देंगे, और जब वो बाकी बैंकों से पैसा लेती है तो भी वो क्या करती है, वो अपने दर का निर्धारण खुद करती है कि हम इतने दर पर आपको वापस करेंगे। यानी RBI की जो चालाकी है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है, वो अपना घाटा किसी भी हाल में नहीं सहती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कि ये बैंकों से कर्ज लेती है और एक दर का निर्धारण करती है, क्या करती है, एक दर का निर्धारण करती है, इसी दर को इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया कि जब RBI को पैसे की जरूरत पड़ती है और RBI बैंकों से पैसा लेती है तो उसके लिए भी उसने अपने एक दर का निर्धारण कर रखा है जो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। यानी अगर हम बात करें तो सिंपल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर RBI ने हमेशा, अगर उसके दिमाग में क्या चलेगा कि भाई मुझे तो पैसे कम देने पड़ेंगे, यानी मुझे रेट जो है मेरा वो क्या होगा, RBI क्या करेगी, हमेशा रेट अपना कम रखेगी। यानी आप हमेशा न्यूज़ में देखिएगा, एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि बैंक रेट जो होता है, ठीक है, या रेपो रेट होता है, ये हमेशा ज़्यादा होता है, और जो रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, रिवर्स RRR रिवर्स रेपो रेट, ये जो होता है ये हमेशा कम होता है। क्योंकि क्यों, क्योंकि इसमें बैंक रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, RBI पैसा ले रही है, अब वो ऑब्वियस सा बात है, अब कम रखेगी इसको, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रख देगी तो फिर उसको बैंक को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, इसीलिए उसको हमेशा कम रखती है बाकी की अपेक्षा। क्लियर है, तो RBI बहुत चतुर वसे, मतलब क्या, चतुरता से काम करती है ताकि उसको घाटा भी ना हो और पैसे भी मिल जाए। क्लियर है, तो ये था मेरा रिवर्स रेपो रेट, मतलब कंसेप्ट इतना इजी है कि अगर आप इसको सही से समझिएगा तो इसे इजी कुछ लगेगा ही नहीं, बहुत इजी है। ठीक है ना, इसको क्या है ना, हार्ड हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि यार इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बैंक रेट बहुत इजी है, रिवर्स रेट बहुत इजी है, मौद्रिक नीति क्या है पता है, मुद्रा से संबंधित है, तो आगे जाके कैसे एक दूसरे से संबंधित है अभी मैं बताऊंगा आपको को रिलेट कर। ठीक है, इस पर चलिए अब इसी में और आते हैं, CRR। ठीक है, CRR इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। होता क्या है कि हर एक बैंक को, चाहे वो SBI हो, चाहे वो SBI के बाद पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा हो, चाहे वो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, या कोई भी इंडिया का वाणिज्यिक या नॉन वाणिज्यिक बैंक हो, वो क्या है, एक नियम बना हुआ है। RBI कहती है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए SBI है तो SBI को बोलेगी कि अगर आपके पास SBI के पास अगर मान लीजिए कि 5,000 करोड़ पैसे हैं, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए इसके पास है, तो क्या बोलेगी, हर एक बैंक के लिए उसने एक कॉमन CRR रखा हुआ है कि इतने पैसों का, मान लीजिए अगर CRR उसने क्या कर दिया कि मेरा CRR जो है वो 4% रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने कर दिया कि मेरा जो CRR है 4% है, तो यानी हर एक बैंक अपने अमाउंट का 4% RBI के पास रिजर्व रखेगी।
आरबीआई के पास रिजर्व रखेगी। कहने का मतलब अगर 5,000 है तो पांचों के बीच समकक्ष मान लो आप कितना 200 करोड़ के लमसम जो पैसा आ रहा है, 200 करोड़ वो क्या है एसबीआई है, वो आरबीआई के पास रखेगी। आरबीआई ने सीआरआर जो भी बता दिया उस परसेंटेज पे हर एक बैंक उतना पैसा आरबीआई के पास एक डिपॉजिट के तौर पे रखता है, यही है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। एक रिजर्व के रूप में आरबीआई अपने पास पैसा रखती है हर एक बैंक का, ठीक है। ये हो गया सीआरआर। अब देखिए ये तो सीआरआर क्या हो गया, अगर हम इसको थोड़ा लैंग्वेज में बता दें तो सीआरआर हो गया कि आरबीआई हर बैंक से एक रिजर्व अमाउंट पैसा जो है अपने पास रखती है। इसे ही बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए इकोनॉमिक्स, बहुत लोग तो क्वेश्चन जब यूपीसी का आएगा आपसे पूछ दिया जाता है यूपीएससी में कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में या भारतीय ऐसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर सीआरआर में वृद्धि कर दी जाती है तो निम्नलिखित में कौन से कंडीशन सही होंगे। अब लोगों को पता ही नहीं है कि सीआरआर क्या है, अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा और घटेगा तो क्या होगा, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपका तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा कि नीचे की कौन कौन सी कंडीशन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में इस तरह के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाइएगा कि नीचे का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और वही सिली मिस्टेक लोगों का जो कहानी है कि सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट का वहाँ पर लैक ऑफ कंसेप्ट जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है, वही दिक्कत करता है। तो लैक ऑफ कंसेप्ट कब होगा, जब आपको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज कब नहीं होगा, जब आपके पास बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता नहीं होगी। तो ये बेसिक चीज़ें और जो भी कंसेप्ट है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तक पहुंच पाएं और आपको इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में इतना फ्रेंडली बना दें कि आपसे कोई बाहर भी पूछ दे कि अगर भाई आज मेरा रेपो रेट कम हो जाए अगर अचानक अर्थव्यवस्था में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप तुरंत बता पाओगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था में, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई पूछता है कि अगर पहला केस सीआरआर बढ़ जाए, आप खुद समझिए सीआरआर बढ़ जाए मतलब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए, ठीक है। सीआरआर मतलब क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए। अब आप खुद समझिए कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए का मतलब क्या हो गया पहले। अरे भैया तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कैश रिजर्व रेशियो समझना पड़ेगा। क्या था कैश रिजर्व रेशियो, कि हर एक वाणिज्यिक बैंक या नॉन वाणिज्यिक बैंक अपना एक फिक्स अमाउंट आरबीआई के पास रखती है, जो आरबीआई जिस सीआरआर का निर्धारण करती है। मान लीजिए आरबीआई ने 4% सीआरआर रखा हुआ है, आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि सीआरआर कर दिया, मान लीजिए कि अभी वर्तमान में 4% रहेगा, यानी हर एक बैंक अपने जितने भी अमाउंट है उसके पास, मान लो किसी के पास 5,000 करोड़ है, किसी के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 20,000 करोड़ है, किसी के पास कुछ और 30,000 करोड़ है, तो वो अपना जितना भी अमाउंट है उसके पास उसका 4% निकाल कर उठा के पैसा सीधे आरबीआई को दे देगी, ठीक है, कि लीजिए आप रखिए ये मेरा कैश अमाउंट है, और वो रखना ही है, वो नियम है आरबीआई की तरफ से। अब होता है अगर सीआरआर बढ़ जाए तो एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल मान लीजिए एसबीआई के पास कितना है, 500 करोड़ रुपया। एसबीआई के पास कितना है, चलिए हम इसको 5,000 कर देते हैं, 5,000 करोड़ रुपया एसबीआई के, क्योंकि 500 करोड़ तो आजकल जनरल आदमी के पास हो गया है, 5,000 करोड़ रुपया, ठीक है। तो 5,000 करोड़ रुपया अगर है और सीआरआर उस वक्त अभी गवर्नमेंट की तरफ से मान लीजिए 4% निर्धारित है, ठीक है, सीआरआर 4% निर्धारित है, तो एसबीआई जो है आरबीआई को कितना पैसा देगी, यानी 5,000 का 4%, ठीक है, यानी आप काट दोगे तो कितना हो गया, 5×20 200 करोड़ रुपया। इतना पैसा आरबीआई कौन दे रही है, एसबीआई दे रही है, किसको, आरबीआई को, इतना उसको रिजर्व करना पड़ेगा, जाके आरबीआई के पास रख देना पड़ेगा। अब कंडीशन बोलता है कि सीआरआर बढ़ जाए, अब 4% के जगह मान लीजिए सीआरआर 6% हो जाता है, तब क्या होगा, तब होगा 5,000 करोड़ का हम 6% निकालेंगे तो 5×30 300 करोड़ रुपया क्या करेगी, अब एसबीआई 300 करोड़ रुपया, पहले 200 करोड़ रखना था, अब 300 करोड़ रख देगी आरबीआई को, ठीक है, 300 करोड़ आरबीआई को रख देगी। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए ऊपर, सॉरी,
मैं अब यहाँ थोड़ा ऊपर रब करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेस और अच्छे समझा पाऊँ। यहाँ पर क्या है, अभी पहला कंडीशन क्या था कि SBI पहले बार में कितना RBI को दी, 200 करोड़, ठीक है। SBI के पास पैसा कितना था टोटल, 5000 करोड़। दूसरे बार में हम बोले कि मेरा CRR बढ़ गया, CRR जब बढ़ गया, ठीक है, तब SBI RBI को कितना दी, तब वो दी RBI को 300 करोड़ रुपया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि SBI के पास पहले 5000 में सिर्फ 200 करोड़ का उसको लॉस हुआ, यानी SBI के पास कितना पैसा बचा, 4800 करोड़, ठीक है, ये इस कंडीशन में था। लेकिन जब इसको 300 करोड़ देना पड़ा तो इसके पास कितना बच गया, 4700 करोड़, क्लियर है, यानी 100 करोड़ और कम हो गए, यानी SBI के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया, समझ में आ रहा है, SBI के पास पैसा कम हो गया। और अगर किसी बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो अपने लोगों को, जैसे मैं SBI का ग्राहक, बहुत सारे हैं मेरी तरह बहुत सारे ग्राहक होंगे, तो क्या करेगी, उसके पास जब पैसा कम रहेगा तो वो लोन कम अमाउंट में आपको देगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि SBI के पास पैसा कम है तो अपना धन का जो फ्लो है वो कम करेगी, यानी इसमें क्या हो जाएगा, धन का जो प्रवाह है, मुद्रा का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है तो क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह जब कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, थोड़ी सी उसमें हानि होती है, क्योंकि मुद्रा का प्रवाह जितना अच्छा होगा उतना सही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जो भी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अगर बहुत कम हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाए तो भी पैसा का वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास अचानक से हर एक आदमी के पास 10-10 करोड़ आ जाए तो क्या होगा, सबके पास पैसा, सब पैसा लुटाएंगे। यानी जो सामान मुश्किल से कल के डेट में क्या था, 50 रुपये में बिक रहा था, क्योंकि पैसा कम था लोगों के पास इसलिए उसका दाम 50 था, अचानक वही सामान क्या आ जाएगा, घट के मात्र 5 रुपये में बिकने लगेगा, क्योंकि सबके पास पैसा है, समझ में आ रहा है, सबके पास पैसा है। यानी जो मुद्रा का मूल्य है, यानी रुपया का जो मूल्य है मार्केट में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिल्कुल करप्ट हो जाएगी, यानी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा के साथ बहुत कम भी हो जाए तो भी हानि है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो धन का प्रवाह कम हो गया तो अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी हानि है, इसमें थोड़ी हानि हो जाएगी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, यानी धन का प्रवाह यहाँ कम हो जाता है। तो कंडीशन आपको दिया जाएगा, इसमें एक ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है, कि धन का प्रवाह कम हो जाएगा। अब हम तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि क्या था, मेरा CRR बढ़ा तो धन का प्रवाह कम हो गया। वहीं इसके अपोजिट नंबर 2 का कंडीशन, अगर मैं बोल दूँ कि CRR क्या हो, घट जाए, तो अभी परसेंटेज आप निकाल के देखो, पहले 4% था, घट के मान लो 3% हो गया, यानी कम पैसे SBI को देने पड़ेंगे, तो उसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो पैसा ज़्यादा रहेगा तो धन का प्रवाह क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, अच्छा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बहुत एक बोला जाता है ना कि संस्कृत में श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है, अति सर्वत्र वर्जित, जो अति है सभी जगह वर्जित है, ठीक है, हर एक क्षेत्र में वर्जित है। यानी यहाँ पर भी अगर अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हानि हो जाए तो भी खराब है, और अर्थव्यवस्था में बहुत कम हानि, मतलब बहुत कम धन का प्रवाह हो तो भी खराब है, यानी एक संतुलित अर्थव्यवस्था हमें चाहिए। तो ये था मेरा CRR। CRR का कंसेप्ट कितना ईजी है, आप समझ में आ रहा है कि बस सिंपल आपको पकड़ना है कि CRR बढ़ रहा है तो बैंक में पैसा मेरा क्या हो जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, और CRR अगर घट रहा है तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा, यानी दोनों अपोजिट हैं, क्लियर है। ये था मेरा कैश रिजर्व रेशियो। तो ये था मेरा पूरा RBI का, एक जो ब्रांचेज होते हैं कि RBI में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज आप लोगों के बीच में डिस्कस किया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में अब दूसरे फ्लो पे आते हैं हम लोग। चलिए RBI तो हमने देख लिया, ठीक है, इसका एक और मौद्रिक नीति के हम लोग आते हैं वापस, हम लोग जो बात कर रहे थे मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति में जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसका फ्लो तो हम देख लिए, क्या था पहला RBI, हमने देख लिया डिटेल में।
दूसरा जो फ्लो था, दूसरा जो इसका स्तंभ था वो था वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का सबसे प्रमुख काम क्या है? बजट। अपने आप में क्या है? बजट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसका बजट कितना इम्पोर्टेंट है ये हर एक कोई जानता है, ठीक है। अगर आज देश में हमारे रक्षा संसाधनों की जरूरत है तो रक्षा में कितना बजट दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की आर्मी के लिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सीमा में अगर लड़ रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं तो उनको पूरा हक है कि वो पूरे साजो सामान से और अत्याधुनिक साजो सामान से लैस हों ताकि अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रक्षा बजट में चाहिए। रक्षा बजट हमारा जो होगा वो मस्त होना चाहिए, ठीक है। रक्षा बजट मस्त होना चाहिए, ठीक है। अन्य देशों में रक्षा बजट अच्छा खासा होता है, इसीलिए वहाँ पर बहुत पहले से ही वो लोग काफ़ी रक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक सामानों के साथ लैस हो चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा विडंबना देख लीजिए, कितने सालों में हमारे जो आर्मी थी वो अभी तक इस चीज़ों से सुसज्जित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सीमा बची रहेगी देश बचा रहेगा तभी हम बचे रहेंगे। इसीलिए क्या है? बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में, उसी तरह हम बात करें वित्त क्षेत्र में भी, रक्षा के क्षेत्र के साथ वित्त क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इसी से चलेगी। अर्थशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? वित्त क्षेत्र। और ये कौन बजट पेश करते हैं? ये करती है हमारी वित्त मंत्री, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, इन दोनों से जोड़कर एक छोटा सा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि एक रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। मोस्ट ऑफ दी आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1 रुपया का भी नोट होता था पहले, ठीक है, और अभी भी कभी आप देख लोगे तो 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। बहुत से बच्चे इसी को नहीं जानते हैं, सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई गवर्नर का। चाहे आप 10 रुपये का नोट ले लो, चाहे आप 100 रुपये का नोट ले लो, चाहे आप 1000 रुपये का नोट ले लो, कोई भी नोट उठाकर रख लो, आप देखोगे उस पर किसका सिग्नेचर होगा? आरबीआई गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर का, क्लियर है। अगर बात कर ले 1 रुपया का नोट में, अब हम आते हैं 1 रुपये के नोट में, यही अंतर है, बाकी सब में आरबीआई गवर्नर का होता है, सिर्फ 1 रुपये के नोट में किसका होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये कहाँ से जारी होता है? ये जारी होता है यहाँ आपका वित्त मंत्रालय से, और बाकी जितने नोट से वो कहाँ से जारी होते हैं? आरबीआई से। यानी समझ में आया इन दोनों का महत्व कितना है। तो ये थे हमारी मौद्रिक नीति के पिलर। होप कि आपको मौद्रिक नीति आज स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके दूसरे पिलर को भी देखेंगे कि हमारी राजकोषीय नीति क्या है। मैं एक छोटे फॉर्म में राजकोषीय नीति को डिफाइन कर दूंगा, आगे हमारा जो सेशन आएगा उसमें हम राजकोषीय नीति को डेप्थ में देखेंगे कि राजकोषीय नीति क्या है। और ये तो हमारे क्लास में जो डिस्कशन होते हैं, जो हमारे मेंटर्स आपके बीच में डिस्कस करते हैं, उसका एक संशोधित समझ लीजिए फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आपको जो हमारा नोट्स मिलेगा, आपको जो कंटेंट दिए जाएंगे सीडिंग सक्सेस में, वो अपने आप में इतना सफिशियंट होगा कि जब आप मौद्रिक नीति का नोट्स हमारा पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ाए हैं और जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं दोनों में कितना एक समानता है और उसके अंदर कितने अच्छे कंटेंट है। दोनों को मिलाकर जो समझने की शक्ति और लिखने की शक्ति दोनों जब मिलेगी तब आप क्या करोगे, आप किसी भी एग्जाम्स में जब आप लिखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग का जो एक स्तर है अलग से ही दर्शेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, जब इकोनॉमिक्स की बात करें तो आगे जब आपका आंसर राइटिंग हम लोग डेवलप करवाएंगे तो मैं बताऊँगा उस समय कि कहाँ कैसे कोर रिलेशन में हम लोग काम करते हैं और कहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स में। चलिए मैं राजकोषीय नीति थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। राजकोषीय नीति आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी पर डेप्थ में होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि दो पिलर्स हैं अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के दो पिलर्स हैं भारत में, ठीक है। क्या है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आज हम देख चुके हैं, उसी तरह हम लोग क्या है दूसरी जो नीति थी, राजकोषीय नीति, ठीक है। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, ये आप समझ लीजिए। राजकोष, राजकोष किससे भरता है? तो आप पुराने जमाने में जब आप देखोगे कि जब यहाँ पर राजाओं का शासन था तब वहाँ क्या होते थे? राजकोष होते थे। और ये राजकोष जो होते थे बहुत सारे
धनों का भंडार होता था, ठीक है, तो ये धन कहाँ से वसूले जाते थे? उस समय भी कर लगाया जाता था और अभी भी कर लगाया जाता है। उस समय भी क्या थे? प्रत्यक्ष कर थे, अभी भी अप्रत्यक्ष कर हैं, अभी भी इसमें, यानी करों की जो व्याख्या होती है, करों की जो व्याख्या की गई है, कहाँ? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वही राजकोषीय नीति है। यानी करों की व्यवस्था की बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया हुआ है भारत में, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो जो आपको प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, यानी जो सीधे सीधे आपके क्या किस में कराया जाता है, वेतन में लगाया जाता है, आपके पैसों में लगाया जाता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि किसी सेवा के थ्रू या किसी उत्पाद के थ्रू जो कर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर। ये होता है प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, इनकम टैक्स। आप जो कमाते हो, आप जितना पैसा कमाते हो उस पर जो कर लगता है आपके वेतन पे, वो हो गया प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो आपके सेवा एवं वस्तु पर अप्रत्यक्ष रूप से लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बहुत लेटेस्ट एग्जांपल अभी आप देखिएगा, 2017 में भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही मज़ेदार अप्रत्यक्ष कर लेकर लाया गया था। उस कर का क्या नाम था? उसे हमने कहा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 में भारत सरकार द्वारा लाया गया। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। उसी तरह बहुत से होते हैं, सेल टैक्स, ठीक है, आप टोल टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कहाँ है? जैसे आप किसी गाड़ी से जा रहे हो एक बॉर्डर, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो आपको क्या देना पड़ता है? टोल देना पड़ता है। मतलब आप उस सड़क का प्रयोग कर रहे हो जो राज्य सरकार बना रही है। आप हजारीबाग वाले रूट में जाओगे, इतना मस्त सड़क बना हो कि दिल खुश हो जाता है देखकर, तो उस दिल खुश वातावरण और दिल खुश का जो नज़ारा है, उस नज़ारे के लिए आप टैक्स देते हो, उस रोड के लिए जो इतनी अच्छी रोड बनी हुई है, तो उस टैक्स को ही बोले जाता है। क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट नहीं वसूला जा रहा, उस रोड के लिए वसूला जा रहा है, उस वस्तु के लिए, उस सेवा के लिए वसूला जा रहा है जो सेवा सरकार आपको दे रही है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, ये था मेरा राजकोषीय नीति। नेक्स्ट सेशन में हम लोग राजकोषीय नीति पर ही एक सेशन देखेंगे और काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग देख रहे थे ये जो हमारी मौद्रिक नीति थी उसको हमने डेप्थ में देखा। मैं अविनाश रावे इसी तरह आप लोगों से मिलता रहूँगा। इकोनॉमिक्स बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आप लोग इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी हार्ड मत समझिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट कितना ईजी है, बस समझने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था आपकी भी अच्छी हो, अर्थव्यवस्था हमारी भी अच्छी हो, चलो मिलकर कार्य करते हैं इस देश के लिए कि हमारी देश की भी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो। हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, कहाँ? सीडिंग सक्सेस के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मैं अविनाश मिलता रहूँगा। सी यू अगेन।